हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बेडरॉक गाइड सर्वाइवल सीरीज। और ये है एपिसोड सेकंड। आज की इस वीडियो में मुझे विलेजर से ट्रेड करनी थी, मतलब उन सबको ट्रेडिंग के लिए तैयार करना था, मतलब ऐसे आर्मरर और वेपन स्मिथ वो सब सारी चीजें मुझे बनानी थी। बट जब मैंने गेम में लॉग इन किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर विलेजर की नहीं है, बस एक ही विलेजर है। मतलब मुझे लगा था यार कि मैंने बहुत सारे विलेजर्स, मतलब दो तो कम से कम देखे ही थे, बट वो कहीं चला गया होगा और फिर भाई रात हो गई होगी और जॉम्बी में कन्वर्ट हो गया होगा। तो सो यहाँ पर एक ही विलेजर है और एक विलेजर से क्या ही कर लूंगा मैं। तो अभी मैं दूसरा विलेजर ढूंढने के लिए जाने वाला हूँ और इस विलेज को लीव करने वाला हूँ। सो अभी मैं अगर कुछ होगा तो मैं लूटने के लिए देख रहा हूँ। बाकी मैंने सब मतलब बहुत सारा तो लूट ही लिया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेक्टन है, 27 बुक्स है जो कि यहाँ पर लाइब्रेरियन था, और मतलब ये फ्लावर पॉट लिए है और बाकी कुछ नहीं, और थोड़ा बहुत खाना लिया है। कुक्ड रैबिट, वो बिल्लिया जो है वो रैबिट को मारती है, सो पॉकेट में मिल रहा था तो मैंने ले लिया। सो हाँ, तो मैं मुझे लीव करना है ये विलेज को और मैं शायद से यहाँ पर जाऊँगा सी में। मैंने थोड़े बहुत ब्लॉक्स भी इकट्ठा किए हैं और आयरन गोलम को भी मारूंगा यार, क्योंकि मैं इस विलेज में रुकने वाला हूँ नहीं, तो विलेजर्स नहीं है इसमें। अगर आप मतलब विलेज अगर आप खेल रहे हो माइनक्राफ्ट में सर्वाइवल और वहाँ से आप विलेजर्स लेके जा रहे हो अपने पास या फिर उनसे ट्रेडिंग वगैरह करने वाले हो, तो आयरन गोलम को मत मारना, नहीं तो वो आपको मतलब सामान जो है वो महंगा बेचते हैं। बट मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ तो थोड़ा बहुत आयरन मिल जाए तो यार मतलब बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसको मारता हूँ 1 2 3। बट भाई अगर मतलब मैंने बोला ना ट्रेडिंग वगैरह करनी है तो मत मार उनको, वो प्राइस बढ़ा देते हैं आप। मर गया। सो आई थिंक अभी मुझे बोट बनानी चाहिए और बोट लेके निकलते हैं हम। सो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक शवल बनानी है और क्लोज क्यों किया पता नहीं, और फिर वुड है ना, व्हाट द हैक, वुड ही नहीं है। वाह वाह भाई, तो मुझे अभी प्लान मतलब अपने ये तोड़ने होंगे। तो थोड़ा मैं वुड कलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरा वुड खत्म हो चुका है और मैंने बहुत सारा शुगर केन कलेक्ट किया है जो कि 30 हो चुका है अभी। तो बस मुझे मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें तो मिल चुकी है और वुड चाहिए, और मैं यहाँ से निकलता हूँ और मैं सी में जाऊँगा। वहाँ से मतलब विलेज वगैरह ढूंढने में आसानी होगी और क्या पता रास्ते में कोई खजाना भी मिल जाए तो मतलब सही रहेगा यार, उसमें डायमंड भी मिलता है कभी कभी। और मैं माइनिंग नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए क्योंकि अभी ग्लिच चल रहा है यार, मतलब अगर माइनिंग करते हो तो डायमंड बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो डायमंड का जो रेट है ना वो मतलब नए केवन क्लिफ जनरेशन की तरह सेट किया था गलती से, तो भाई बहुत ज़्यादा कम डायमंड्स मिल रहे हैं। सो अभी तो मैं माइनिंग कर नहीं रहा हूँ, बट विलेजर से ही मैं सारे टूल्स वगैरह ले लूँगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए मैं विलेजर्स को ट्रेड करने के लिए मतलब ढूंढ रहा था, बट अभी मुझे दूसरा विलेज ढूंढना पड़ेगा। सो लेट्स गो, मुझे अभी बोट बनानी है। सो बोट 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 अरे यार इसको पहले बनाना पड़ता है ना। तो ये रही बोट, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे, और मस्त लगती है यार ऐसे रेड रेड कलर की बोट अकेशिया की, मतलब सही है। तो चलो रात भी हो रही है यार, और ये वाला मैंने साइन बेड उठा लिया है जो कि बहुत मतलब अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उठाया है बस, बाकी कुछ नहीं। तो ये क्या है, ओ भाई जॉम्बी वो सब स्पॉन हो रहे हैं। तो शुगर केन यहाँ पर है बट नहीं यार जाने दो ना, मतलब क्या ही करूँगा उतना लेके। तो मुझे जाना है विलेज में, और विलेज के सामने से ओशन है ना, वहाँ से मैं सामने चला जाऊँगा, दूर मैं जा सकता हूँ उतनी दूर जाऊँगा। और विलेज कहाँ था भाई, क्या हुआ, भागो। अच्छा ये डेजर्ट है ना, यहाँ पर बारिश नहीं होगी, वही मैं सोच रहा था, एटमोसफियर एकदम से कैसे चेंज हो गया। सो आई थिंक यहाँ पर है विलेज, व्हाट द हैक, विलेज कहाँ गया भाई, व्हाट, वेट अ सेकेंड, व्हाट, नहीं रियली यार विलेज कहाँ गया। और ये भाई मेरे पास आर्मर नहीं है, भागो, थोड़ा ऐसा डॉच कर करके भागना पड़ेगा। बट विलेज व्हाट द हैक यार, मतलब वैसे भी जरूरत नहीं है बट फिर भी कहाँ गया, मैं रास्ता बहुत भूलता हूँ। तो आई थिंक मुझे बस सी को ही ढूंढना होगा, वहां से मैं सामने चला जाऊंगा। और ये मुझे शूट कर रहे हैं बट उनका शॉट नहीं लगेगा अभी क्योंकि वो स्केलेटन है। हाँ पता है कि यार मतलब यहाँ से मैं जाता हूँ फिलहाल के लिए, तो मेरा मोटिव यही है कि मुझे विलेज ढूंढना है। तो ये स्वैम बायम है ना, हाँ, तो यहाँ से मुझे सी मिल सकता है, तो मैं यहीं से चलूंगा और देखते हैं रास्ते में विलेज मिलता है तो मतलब विलेज ही ढूंढना है, मेन मोटिव तो वही है, बट अगर कुछ बीच में इंटरेस्टिंग सा मिलता है तो फिर भी मैं बता दूंगा। सो चलो मैं चलता हूँ।
सो गाइस गेस व्हाट, मैं मतलब लिटरली यार भटक गया था। तो मैं कैसे भी करके मतलब सीधा चलता गया और फिर मैं सॉम से बाहर आ चुका था और बर्च बर्च फॉरेस्ट लगा था और फिर इसमें मैं इस ट्राइगा बायो में आया हूँ। और अभी मैंने थोड़ा ज़्यादा रेंडर डिस्मस रखा है, थोड़ा लैग दिख सकता है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे फाइनली विलेज मिला है और उसके बाजू में पिले। व्हाट द हैक यार भाई, यही होना था क्या? मतलब पिछली बार भी यही हुआ था और उससे मैं मरा। छोड़ो यार, मतलब अच्छा ही है जो भी है, बट मैं पहले तो यार अपना रेंडर डिस्टेंस कम कर लेता हूँ। तो भाई एक्सप्लोर जब करते हो तो रेंडर डिस्टेंस बड़ा लेना बहुत सही होता है। तो मुझे फाइनली विलेज मिल चुका है, बट मैंने तो लूज ही होप ही लूज कर दी थी कि मुझे कुछ मिलेगा या नहीं, बट फाइनली मैं टाइगा में आया और मुझे मिला। और मैं नीचे कैसे जाऊँगा यार, व्हाट द हैक। यस हो जा। और भाई ड्राउन, और ड्राउन से मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ अभी। उसने ट्राइडेंट वाले ने ही मुझे मारा था, बट छोड़ो यार, मतलब पास की बातें क्या ही करना। तो ये रहा विलेज और मैं थोड़ा सामान अपना अंदर रख लेता। और द हैक मेरी जगह ये मैंने क्यों, चलो छोड़ो यार रहने दो। और आई थिंक मुझे यहाँ पर एक चेस्ट चेस्ट बना के रखना ही चाहिए, ताकि अभी मैं थोड़े दिनों के लिए ये रुकने वाला हूँ क्योंकि इनसे मैं ट्रेडिंग वगैरह करके बहुत सारा माल लेने वाला हूँ। सो मुझे यहीं पर रुकना होगा, सो इसलिए यहाँ पर चेस्ट रखना तो बनता है। सो ये रहा चेस्ट और यहाँ पर आएगा हमारा पेड और ये हो गया हमारा टेम्परेरी। नहीं अभी तक नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। सो यहाँ पर एक होगा द हैक। हाँ अभी तो यहाँ पर एक होगा ये, यहाँ पर नहीं यार, अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा बेस अपना मतलब बेस अच्छा होना चाहिए ना थोड़ा सा। हाँ यही यहाँ पर ठीक रहेगा। सो ये हो गया हमारा बेस और दिस इज ऑफिशियली बेस ऑफ ट्रैकन। सो यहाँ पर सोने का भाई रात हुई नहीं है अभी तक। तो सबसे पहले मैं ये तोड़ लेता हूँ ना, मतलब फ्री का है तो ले लो। और इनको मैं प्लांट प्लांट कर दूँ क्या? नहीं यार, वो विलेजर चुरा के ले जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये सब सारी चीज़ें मुझे जो नहीं लगेगी वो मैं रख देता हूँ अंदर। और स्टिक्स स्टिक्स तो लगने वाली है। पॉपी क्यों रखी यार मैंने, सो आयरन भी रख ही लेता हूँ यहाँ पर। और कॉपर भी मैंने कलेक्ट किया था जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं। और बोट भी, और रास्ते में मुझे पम्पकिन मिला। और मैं सो जाऊँ क्या, रात हुई क्या? नहीं, तो रास्ते में मुझे ये पम्पकिन मिला था। और ये शुगर केन भी रख ही लेता हूँ और ये पॉट मैंने रखा नहीं था क्या? हाँ सो ये भी रखना है ये। हाँ तो ये भी कलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। और इसको भी थोड़ा, अगर विलेज मिलता है तो यार मतलब बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है आपको आपके सर्वाइवल को। सो यही करना होता है मतलब पहले दिन में अगर विलेज ढूंढते हो तो सही है। और मैं सो भाई अपने आप ही द है। अच्छा मेरा ऑटो ब्राइटनेस ऑन था, सॉरी सॉरी। मतलब कभी भी मतलब अपने आप ही ब्राइटनेस कम हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि रात हो रही है, बट नहीं ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ नोबू, बाकी कुछ नहीं। तो चलो देखते हैं विलेज के अंदर कौन कौन है। और हाँ अगर रात होती है तो भी यार मुझे सोना नहीं है, क्योंकि अगर मतलब जब रात होगी ना तो जब वो घर के अंदर जाएंगे तो मैं उनको कैद कर दूंगा और फिर मैं अच्छे से ट्रेडिंग कर सकता हूँ। सो फाइनली मुझे विलेज मिल चुका है जो कि प्लेन्स में है। बार बार क्यों, यस ये हो गया, अंदर चला गया है। सो यहाँ पर आई पुट कबल स्टोन लाइक दिस। और इसमें कोई गया है? इसमें कोई नहीं गया यार, जाना मतलब जाते क्यों नहीं जल्दी से। और ये भाई ये अलग ही दिक्कत है यार इनकी। तो आई डोंट थिंक मुझे उनके साथ थोड़ा मैसअप करना चाहिए क्योंकि मेरे खुद के पास अपने ये नहीं है आर्बर, बट चलो इनका रास्ता तो ब्लॉक करते हैं ना, नहीं कर सकता। व्हाट द हैक बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो आई थिंक मुझे यार ये थोड़ा वियर्ड नहीं है क्या? तो इसमें कोई है क्या? हाँ इसमें चला गया है। सो इसको ब्लॉक करो। तो जितना प्रोटेक्ट हो सकता है उतना मैं करूँगा इस तरीके से, और सभी को मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। और कोई विलेज विलेजर ना मिले यार, क्योंकि मेरे पास अभी आर्मर भी नहीं है लिटरली। यहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ पर ब्रेड है और ये है और ये है। सो ले लो इसको, पहन लो। और चलो यहाँ पर कोई है? यहाँ पर नहीं है कोई, बस तो थोड़े बहुत तो मिल गए ना, सही है। ये किसने तोड़ा? अच्छा ये है कि मैं पिलेजर आउटपोस्ट में आ गया। तो मुझे यहाँ पर लाइट अप कर देना चाहिए ताकि यहाँ पर कोई और ना स्पॉन हो सके। तो लाइट अप कर देता हूँ मैं फटाफट से। पिलेजर मतलब अभी पिलेजर का आउटपोस्ट रेड कर रहा हूँ लिटरली। आर्मर यहाँ पर नहीं, आर्मर है बट वो लेदर का है, वो डजेंट मैटर। सो वो है नहीं, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द हैक। गेट द हेल आउट ऑफ हियर। मैंने ओ व्हाट द हैक, दूसरा ओ भाई व्हाट द हैक यार, मैंने क्यों आया यहाँ पे? सॉरी सॉरी सर, आई डोंट मीन टू कम हियर, सॉरी।
और यस डोंट मेस विथ मी बॉय यू गोना डाई। और इसमें क्या लगा है? पियर्सिंग। अच्छा इसलिए मुझे डैमेज पहुंच रहा था, मैंने शील्ड लगाई थी। और यस सो आई रेड इट सक्सेसफुली। और इसमें क्या है? बॉटल ऑफ इंचेंटमेंट होंगी और क्या क्या होगा। हाँ इससे भाई लिटरली कुछ नहीं मिलता, ये सिर्फ गार्बेज है। सो मेरे पास 5 लेवल है, 6 बस खत्म। अगर आपके पास 20 से ऊपर है तो ये बिल्कुल यूजलेस ही है। मतलब जो ओ फायर एस्पेक्ट सही है, पोटैटो हाँ मतलब थोड़ी अच्छी सी मतलब लूट लूट लाइप लूट टाइप तो नहीं है बट सर्वाइवल के लिए अच्छा है। और ये चेस भी मैं ले लेता हूँ। तो सक्सेसफुली मैंने यहाँ पर पिलेजर्स को अपना रेड कर लिया है। मतलब पिलेजर्स रेड करते हैं बट हम पिलेजर्स को ही रेड करेंगे। तो अभी मुझे थोड़ा एरिया लाइटअप करना होगा ताकि ये स्पॉन ना हो बाजू में। तो यहाँ पर और एरो भी मिल चुके हैं। यस तो और इसमें आयन गोलम नहीं है क्या यार? आयन गोलम होता तो अच्छा होता। तो भाई बेड मिल जाए यार, बेड कहाँ पे है? व्हाट द हैक, बेड ही नहीं है कहीं पे। मैंने अपना बेस कहाँ पे बनाया था? ऑफिशियल बेस था ना, वो भी भूल गया मैं, भटकता बहुत हूँ। ए तू तू तेरी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, नेटविट कुछ काम नहीं करता कुछ नहीं। तो मुझे जितने हो सके उतने विलेजर्स को बचाना होगा। सो वो नीटविट को मर जाने दो, उसको कोई नहीं है। सो बेबी विलेजर्स बहुत ज़्यादा तंग करने वाले हैं मुझे पता है, और मैं स्प्रिट्स कंट्रोल में हूँ और उतना अच्छा नहीं हूँ स्प्रिट्स कंट्रोल में। मैंने जितने कैप्चर किए थे वो तो सेफ है ना? तो हाँ सेफ ही है सभी लोग। सो मुझे इनको थोड़ा इनके वर्क स्टेशन तोड़ के इनको ल्योर करके यहाँ पे लाना होगा। तो मैं थोड़ा वर्क स्टेशन कलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें से मुझे कुछ को फ्लेचर बनाना है। और फ्लेचर से अगर मतलब स्टिक्स आप ट्रेड कर सकते हो एमराल्ड के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ओपी है। सो मैं सारे वर्क स्टेशन कलेक्ट कर लेता हूँ और इनको एक ही जगह बुला लेता हूँ बाद में। तो करता हूँ एक बार। भाई ये विलेज बहुत ज़्यादा कर्स्ड है, इनकी क्या ही फूटी किस्मत है। सो यहाँ पर मुझे ग्रेवल दिखा है तो इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। और मुझे 6 चाहिए और इनसे फ्लिंट मिल जाए तो अच्छा। हाँ एक मिला, दो मिले, सही है हमारा लक अभी के लिए। सो यस कितने मिले एक बार देख लूँ, जगह है यहाँ तो 3 मिले हैं और इतने सारे ग्रेवल है। तो इनको मैं माइन करके फिर से फ्लिंट ले सकता हूँ। तो अभी के लिए एक अपना बनाना सही रहेगा। तो बहुत सारे विलेजर्स हैं यहाँ पे, यहीं पे फ्लेचिंग टेबल बनाना चाहिए क्या? हाँ यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल भी है। सो फ्लेचिंग टेबल ये बना और एक विलेजर फ्लेचर बन जाओ भाई। और मुझे थोड़े वर्क स्टेशन हटाने होंगे यहाँ के। तो यहाँ पर क्या है, ये है अपना, और इसको भी हटाओ। हाँ और अगर मेसन होता है तो भी वो बहुत सही होता है, क्योंकि मेसन क्ले से आपको वो एमरल देता है और क्ले आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है कहीं पे भी। मतलब अभी मैं कलेक्ट करता हूँ बट ये बन गया मेसन। और भाई मेसन ही बनना था तुझे, मतलब फ्लेचर नहीं बन सकता। तो सो मैं अभी थोड़ा क्ले कलेक्ट करता हूँ। सो क्ले यहाँ पर मिल जाएगा बहुत सारा। तो इस मेसन को ही मुझे फ्लेचर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये मैं तोड़ लेता हूँ, आ गया ना। हाँ तो भाई फेक क्यों दिया? सो यहाँ पर अरे यार ये पिलेजर बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं इसको, इसका स्पॉन कैसे रोकना है? आई डोंट नो, मुझे देखना पड़ेगा शायद से। पता है कि मुझे मारने वाला नहीं। What the heck यार, इनका कुछ तो करना पड़ेगा। छोड़ो यार भाई, इतना ही था आज के वीडियो में। और मैं थोड़ा इनको इनका पिलेजर्स का स्पॉन रोकूंगा और थोड़े बहुत वर्क स्टेशन मतलब लगा के थोड़ा AFK माइनिंग नहीं बट वो स्टिक कलेक्ट करूंगा। सो वो सब करने वाला हूँ। सो मैं मिलता हूँ सबको अगली वीडियो में। और वीडियो यहाँ तक देख रही हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे मानकर वीडियोज़ के लिए। और मैं मिलता हूँ सबको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।